नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम केजरीवाल के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर ईडी का शिकंजा, 5 घंटे चली पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष की महारैली, कल शामिल होने पहुंचे तेजस्वी और कल्पना सोरेन। पाकिस्तानियों के लिए समुद्र में भगवान बनकर पहुंची भारतीय नौसेना, 12 घंटे से अधिक के ऑपरेशन में 23 पाकिस्तानी नागरिक छुड़ाए। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान की पार्टी और भाकपा माले ने कैंडिडेट्स का किया ऐलान। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, 1 अप्रैल 2024 से जाएगी नौकरी। अब खबरें विस्तार से। ईडी ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में आज केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ की। ईडी के दूसरे समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले कैलाश गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ईडी अधिकारियों ने उनसे जो भी सवाल पूछे, उन सभी का उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि ईडी अधिकारियों ने उनसे पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 2014 में एयर इंडिया घोटाले का मुद्दा था, सीएजी की रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे थे। कल सीबीआई ने वो केस ही बंद कर दिया, क्योंकि तब के मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए। प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 31 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष की महारैली की तैयारियां चल रही है। महारैली की तैयारी को लेकर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रामलीला मैदान में महारैली में शामिल होने के लिए इंडिया अलायंस के नेता पूरे भारत से आएंगे। रविवार सुबह 10 बजे से महारैली शुरू होगी। उन्होंने कहा कि महज किसी के आरोप के आधार पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव रैली में भाग लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानियों के लिए भारतीय नौसेना भगवान बनकर समुद्र में पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना ने बंधक बनाए गए मछली पकड़ने वाले पोत को छुड़ा लिया है। ईरानी पोत और उसके चालक दल के सदस्य के रूप में 23 पाकिस्तानी नागरिक इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ 12 घंटे से अधिक का ऑपरेशन चलाया और बंधकों को छुड़ाया। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उसने सीमा के साथ सचिन मीना पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सीमा हैदर वही पाकिस्तानी महिला है जो बीते साल मई में अवैध रूप से भारत आई थी। वह सचिन से शादी करना चाहती थी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बिहार की 5 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चिराग खुद हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है। वे जेडीयू नेता एवं नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और पूर्व आईपीएस कुणाल किशोर की बहू हैं। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी को टिकट दिया गया है, जबकि खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई से चिराग ने अपने बहनोई अरुण भारती का नाम पहले ही घोषित कर दिया था। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने भी आज अपने तीनों कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। माले ने काराकाट सीट पर राजाराम सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाकपा माले ने आरा और नालंदा से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आरा से सुदामा प्रसाद और नालंदा से संदीप सौरभ को प्रत्याशी बनाया है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी सुप्रीमो पशुपति पारस मान गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अंग बताया है। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत के लिए उनकी पार्टी समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल का फिर से बदलकर बायो मोदी का परिवार टैग जोड़ लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को तरजीह देने और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति कुमार पारस ने पिछले दिनों नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सभी गेस्ट टीचर की नौकरी चली जाएगी। वे एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 94,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है, इसीलिए नए सत्र से इनकी सेवा पूर्ण रूप से समाप्त की जा रही है।
बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 घोषित होने की घड़ी नजदीक आ गई है। बिहार बोर्ड की ओर से कल रविवार को 10वीं परीक्षा 2024 के नतीजे जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 23 मार्च को जानकारी दी थी कि मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च 2024 को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे 23 मार्च को घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 87.21% छात्र सफल हुए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी होंगे। खबर झारखंड से। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सोनिया के आवास से रवाना भी हो गई। इससे पहले कल्पना सोरेन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी इस समिति में झारखंड से अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया है। उन्हें इस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आज यह जानकारी दी। खबर खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप के लिए IPL के दौरान ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो जाएगा। इसके लिए BCCI की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। BCCI के सूत्रों के मुताबिक सेलेक्टर्स IPL के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं। सभी 4 राष्ट्रीय चयनकर्ता IPL मैच देखने भी जा रहे हैं। सभी टीमों को 1 मई तक अपनी टीमों की जानकारी ICC को देनी है। इसको देखते हुए अप्रैल अंत तक भारतीय टीम का ऐलान होने की संभावना है। हालांकि 25 मई तक सभी देश अपनी शुरुआती टीमों में बदलाव कर सकते हैं। IPL की बात करें तो आज लखनऊ और पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा है। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।